आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। इस साल श्राद्ध कल्प पक्ष की शुरुआत भादों की पूर्णिमा से हो चुकी है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रथमा को पहला श्राद्ध था और अब अमावस्या पर इसकी समाप्ति होगी। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती पर अपने वंशजों से मिलने आते हैं व उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। पितृ पक्ष में पितरों के लिए पिंड दान, तर्पण अथवा श्राद्ध करने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इसके लिए कुछ विशेष नियम भी बनाए गए हैं और नियमों के अनुसार श्राद्ध के समय कुशा पहनने, तर्पण के समय जल में चावल, जौ और काले तिल का उपयोग करने व पिंड दान के समय चावल का इस्तेमाल करने का बहुत महत्व है। पितृ पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त है तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूलिए। आइए अब सिलसिलेवार जानते हैं एक एक वस्तु जो पितरी कर्म में उपयोग में आती है का महत्व और प्रयोग। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस कर्म के लिए कुशा आवश्यक क्यों है। जानकार विद्वानों का कहना है कि श्राद्ध कर्म में सबसे महत्वपूर्ण अवयव कुशा है। श्राद्ध कर्म में कुशा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार के रोम धरती पर गिरे और कुशा बन गए। कुशा को तेज का प्रतीक भी माना जाता है, जिससे हर क्षण तेजों में तरंगे निकलती है। इन तरंगों के प्रभाव से श्राद्ध स्थस पर रजतम गुणों का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे कि नकारात्मक शक्तियों के अनिष्टकारी प्रभाव कम हो जाते हैं। यह भी माना जाता है कि कुश पितरों को मार्ग दिखाता है। श्राद्ध में समूल कुश का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता के अनुसार कुशा घास शीतलता व पवित्रता प्रदान करती है, इसलिए इसे पवित्री घास भी कहा जाता है और कहा जाता है कि कुशा पहनने के बाद इंसान श्राद्ध व पूजन कार्य करने के लिए पवित्र हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कर्म कांड के दौरान कुशा घास पहनने का जिक्र है। अब जानिए काले तिल के संबंध में। दरअसल काले तिल को यम का प्रतीक माना जाता है। पितृ पक्ष में श्राद्ध के दौरान तिल का प्रयोग भी जरूरी होता है, क्योंकि तिल की उत्पत्ति भी विष्णु जी से हुई है। ये नारायण के पसीने से निकला है। ऐसे में इससे पिंडदान करने से मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिल से भी निकलने वाली रजतम तरंगे मृत्युलोक में भटक रही पितर आत्माओं को श्राद्ध स्थल तक बुलाने में सहयोगी होती है। श्राद्ध स्थल पर तिल छिड़क दिए जाते हैं, जिससे यह एक निश्चित क्षेत्र बन जाता है जिसमें वही पितरी आत्माएं आती है जिनका आह्वान किया जा रहा है। काले तिल पितर की तृप्ति का साधन है, इसलिए पितरी इसे ग्रहण करके तृप्त हो जाते हैं। अब जानिए चावल अर्थात अक्षत के संबंध में। पितर आत्माओं की तृप्ति के लिए उन्हें अक्षत अर्पण किया जाता है। अक्षत जीवन का आधार है और धन धान्य का पहला प्रतीक है। पितरों को चावल की खीर अर्पित की जाती है। इसमें मिला हुआ मिष्ठान रस का और दूध चेतना का प्रतीक व स्रोत है। पितर इन्हें पाकर संतुष्ट होते हुए इसी प्रकार परिपूर्ण रहने का आशीर्वाद देते हैं। खीर खाना उनकी हर अतृप्त इच्छा की पूर्ति का संकेत है। अब जानिए जौ के उपयोग के संबंध में। जौ यानी यवनाजों में सर्वश्रेष्ठ है। यह सोने के तरह ही शुद्ध और खरा है, इसलिए यह उन तमोगुणी वैभव का प्रतीक है जिनके प्रति मनुष्य जीवन रहते लालायित रहते हैं। इनके प्रति जीवन रहते मोह नहीं कम हो पाता और मृत्यु के बाद भी यह इच्छा अतृप्त ही रह जाती है। तर्पण में जौ का प्रयोग पितरों को वैभव की संतुष्टि देता है। इसके साथ ही जौ नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है, इसलिए श्राद्ध पूजन में जौ का प्रयोग किया जाता है। जौ दान को महादान भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं नाराज पितरों को प्रसन्न करने के 10 उपायों के बारे में। हमारे पितृ या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। उनमें से बहुतों ने तो दूसरा जन्म ले लिया और बहुतों ने पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं और उस वक्त वे उन्हें आशीर्वाद देते या श्राप देकर चले जाते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए
प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में अच्छे से श्राद्ध कर्म करें। गरीब, अपंग व विधवा महिला को दान जरूर दीजिए। इस दौरान भगवद गीता का 7वां अध्याय या मार्कंडेय पुराण अंतर्गत पितृ स्तुति जरूर करें। पितृ पक्ष की 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन गुड़ घी की धूप दें। मांस और मदिरा से दूर रहें और महिलाओं का सम्मान करें। अगर संभव हो तो घर का वास्तु ठीक करवाएं या घर को साफ सुथरा रखें। केसर या चंदन का तिलक ललाट पर लगाएं। गुरु ग्रह को प्रसन्न रखने के उपाय करें एवं गया जी जाकर या किसी सरोवर नदी के किनारे तर्पण एवं पिंडदान अवश्य करें। पितृ पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।